हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। रो रही है। लापीस गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़लो करम से और आप सब की दुआओं से हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। जनाब, व्लॉग जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आया है, क्योंकि थोड़ी मसरूफियात भी थी और थोड़ी बीमारी भी थी, इस वजह से जो है वो व्लॉग नहीं बना सकी थी मैं। तो इंशाल्लाह, कोशिश तो यही होती है कि व्लॉग जो है मैं बनाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। सबसे बड़ा काम जो है वो एडिटिंग है व्लॉग की। बना बन तो जाते हैं, लेकिन वो एडिटिंग करना वो बहुत मुश्किल मरहला है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है और मैं बहुत जो है वो बिज़ी होती हूँ, इस वजह से मैं नहीं दे पाती टाइम। और यहाँ पर जो है वो हादी अपनी पैकिंग कर रहा है। हादी जो है वो अपनी नानों के साथ जा रहा है शादी में, और वो और उसकी नानो जो है वो कोयटा जा रहे हैं शादी में। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है उनकी। और दूसरा, व्लॉग ना बनाने की वजह जो है वो ये भी है कि हमारी पूरा दिन जो है वो लाइट होती ही नहीं है। पूरा पूरा दिन हमारी लाइट नहीं होती, समझ लें सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती है, रात को 1 बजे तक हमारी लाइट नहीं होती। तो ये बस ये अगर 1-1.5 घंटा जो बीच में लाइट आती है, तो उसमें बेचारी हया फातिमा जो है उसको टी वी पर मैं कोको मेलन लगा देती हूँ, तो वो ये देख रही होती है, देखिए बेचारी का हाल। इस कदर गर्मी होती है, पूरा दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है। शाम होती है, अंधेरा हो जाता है, फिर रात तक अंधेरा ही रहता है, और हया फातिमा बेचारी बहुत ज़्यादा, उसको गर्मी लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देखें, पहले तो बेचारी जो है वो बनियान वगैरह भी जो है वो पहन के घूमती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है। हादिया कहती है, मम्मा ये क्या है, आप इसको इस तरह से व्लॉग में ले रही हैं? तो मैंने कहा, बेटा वो अंग्रेज़ों के बच्चे पैम्पर में, खाली पैम्पर में घूम रहे होते हैं, तो हम कहते हैं सो क्यूट, और हम एशियन के बच्चे अगर खाली पैम्पर में घूमें तो फिर हमें ये बुरा लगता है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनके बच्चे घूम सकते हैं तो हमारे बच्चे भी घूम सकते हैं। बहरहाल, फिर मैं यहाँ पर जो है वो गोभी का सालन पका रही थी। कुछ समझ ही नहीं आता रोज़ाना सुबह उठ के क्या बनाए बंदा। और ये देखें, अभी भी लाइट नहीं है। बेचारी हया जो है वो टीवी देख रही थी और अचानक से लाइट चली गई, फिर हया का रोना स्टार्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, गर्मी उसे बहुत लगती है। तो मैंने जो है वो गोभी वगैरह, मैंने कहा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हादिया को मैंने कहा कि चलो आज गोभी बना लेते, क्योंकि आज हादी नहीं है घर पर, हादी भी जा रहा है और हादी जो है वो भी शौक से खा लेता है गोभी। तो मैं जो है वो गोभी वगैरह जो है वो बना रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी हादिया से मैंने कहा कि मैं सालन वगैरह तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि फिर हमें शाम के वक्त जो है वो अम्मी की शॉप जाना था, मॉल जाना था हम लोगों को। हादी जो है वो काम कर रहा है, उसकी जो है वो वेकेशन चल रही है, हादी के पेपर्स हो गए तो उसके बाद उसकी वेकेशन हो गई है। तो मैंने हादी से कहा कि पूरा दिन फजूल में मोबाइल चलाना या टीवी देखना, और वैसे भी लाइट नहीं होती, पूरा दिन बेजार रहोगे। तो हादी ने कहा, मम्मा मैं कहीं पर जो है वो काम वगैरह करने लग जाऊँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप TNH जो है वो अम्मी जहाँ पर, अम्मी की शॉप के ऊपर ही जो है वो शॉप है TNH की, आप लोगों को पता होगा, मैंने व्लॉग भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे हैं ताहिर भाई, उनकी शॉप है। तो हादी जो है वो वहाँ पर जाता है। तो मैंने कहा कुछ काम भी सीख लोगे, कुछ एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत तुम्हें हो जाएगा, और साथ में कंप्यूटर क्लासेस भी इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेगा। तो ये है कि अब वो वहाँ पर पूरा दिन गुजारते और बहुत खुश है वहाँ पर। पर आ गई हूँ, कल मैंने कपड़े धोए थे, तो अब वो फटाफट जो है वो कपड़े मुझे सारे फोल्ड करके रखने हैं, और उसके बाद जो है वो मैं जाऊँगी, मैं और हादिया जाएंगे, अम्मी और हादी जो हैं वो शॉप पर हैं, तो उनके लिए खाना लेकर जाएंगे रास्ते में खाने के लिए उनका, और वो लोग वहीं से जो है वो कोयटा के लिए निकलेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि वो शादी में जा रहे हैं अम्मी और हादी, तो पहले सारे काम निपटा लूँ, फिर मैं 6 बजे के करीब जो है वो खाना लेकर अम्मी के लिए जाऊँगी, अम्मी और हादी के लिए। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी शुरू हो तो चुका है, बट आज मैं अपना जो है वो शुरू कर रही हूँ। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो जैसा कि आप लोग को पता है, हादी और नानी जो है वो जा, मेरा मेन जो नानू नानी है वो जा रहे हैं कोयटा। सो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा ये फुल आउटफिट है आज का, और आप लोग को पीछे बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहा होगा पूरा का पूरा रूम, और ये जो मिरर है ये भी थोड़ा मैसी दिख रहा होगा बिकॉज अभी सफाई नहीं हुई है। और पीछे का मैं आप लोग को ये दिखाऊं तो ये है कुछ जो कपड़े फोल्ड करने थे, वो मम्मा ने हमें, मैं मतलब मम्मा ने ये हाफ़ कर दिए, बाकी हाफ मैंने बोला मम्मा मैं आपको बाद में कर दूँगी, क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अभी हमें जाना है। सो बस चलें, अब चलते हैं और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अपना फुल आउटफिट। बस चलें, चलते हैं। There's something keep pulling me to you. There's something no good, but I want you. There's something close. There's something about you, and I can't let go.
और ये देखें जो है ना, वो मैंने अपना स्कार्फ जो पहले कुछ और बांधा हुआ था और मैंने चेंज कर दिया था, और रिक्शे में जाते जाते भी मेरा ही पूरा ख़राब हो गया था। अस्सलामुअलैकुम जी जनाब। तो हम लोग जो है वो शॉप पहुंच गए थे, मैं, हादिया, हया और अबू, हम जो है वो शॉप पहुंच गए थे सारी चीज़ें वगैरह लेकर। बुशरा भाभी ने बहुत यमी से जो है वो कबाब वगैरह बनाए थे, तो वो सब अम्मी को देना था रास्ते में खाने के लिए। और इन लोगों की जो है वो बस बाय बस गए थे अम्मी और हादी, तो वो बता रहे थे कि स्लीपिंग जो वो होती है, क्या कहते हैं, आई थिंक कोई बर्थ वाली आजकल निकली हैं। अब मुझे याद है अम्मी जब इंडिया गई थी तो अम्मी कहती थी इंडिया में जो है वो इतनी ज़बरदस्त बसें होती हैं और बहुत अच्छी बसें होती हैं, बंदा ऊपर जाके सो भी ले, और बर्थ वाली होती हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी शुक्र है हर जगह जो है वो अब ऐसी बसें हो आ गई हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अम्मी से कहा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चलूँगी। वैसे मैं जाने वाली थी, मैं और हादिया भी जाने वाले थे, लेकिन हादिया आप सबको पता है माशाल्लाह से वो हिफ्ज़ कर रही है, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं चल रही। अम्मी से मैंने कहा मैं नहीं जा रही, आप ऐसा करें हादी को ले जाएँ। तो अम्मी और हादी जा रहे हैं, हमारे बहुत ही अच्छे जो हैं वो दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनसे। तो इनशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो अगले महीने भी शायद वो उनके यहाँ कहीं शादी है, तो फिर मैं ज़रूर जाऊँगी अम्मी के साथ। और यहाँ पर हादी बहुत उदास हो रहा था मुझसे बिछड़ते हुए, क्योंकि वो मेरे बगैर नहीं रहता, वो कहीं रात भी नहीं रुकता। अगर मैं कहूँ तुम घर पे रुक जाओ, मैं नानी के घर पे रुकूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, और हया फातिमा अपने भा और हस्सा मतलब नानी को और भाई भैया को अपने बहुत मिस करती है। और अल्लाह पाक खैर खैरियत से इन सबको लेकर जाए और खैर खैरियत से वापस लाए, अपना बहुत ख्याल रखे।